गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर के इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट टू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन इलस्ट्रेटिव वे में करेंगे, और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। MPPSC 2019, MPSI, व्यापम, SSC, अन्य जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें इतिहास एक विषय के रूप में पूछा जाता है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, शुरुआत करें उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली एकमात्र व प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ठीक है, तो वो महिला प्रथम जो है रजिया सुल्तान हैं। ठीक है, ये बेसिकली गुलाम वंश से हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश जैसे कहेंगे। ठीक है, मामलुक वंश या गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने महमूद जो मोहम्मद गोरी जब यहाँ से गए थे, ठीक है, तो जाते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ का गवर्नर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के गए थे, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कमान संभाली और गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का जो गवर्नर बनने के बाद उन्होंने ज़्यादा फोकस बेसिकली जो अपना राज्य है उसके सुदृढ़ीकरण पर किया था, राज्य विस्तार पर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। ठीक है ना, और इनके द्वारा इनको लाख बख्श कहा जाता था, मतलब ये दान वगैरह खूब करते थे। इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है वो बनवाई थी। ठीक है, तो इनके जो है दरबारी कवि जो थे वो उदबी फिरदोसी, ठीक है, उदबी फिरदोसी, फिर उसके बाद इन्होंने इनके ही टाइम पे जो है नालंदा का जो विश्वविद्यालय था उसका बख्तियार खिलजी ने जो है उसको, वो सहायक सेनापति था इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का, जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह का आया था शासन, ज़्यादा समय के लिए नहीं था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश का आया। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद रुकमनुद्दीन फिरोज़ आए, रुकमनुद्दीन फिरोज़ के बाद रजिया सुल्तान आई। ठीक है ना, रजिया सुल्तान का शासन आया था। ठीक है ना, रजिया सुल्तान के शासन के बाद एक्चुअली ये लेडी थी। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है ना, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है ना, मतलब इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश ने एक 40 दल जिसमें 40 सरदारों का एक गठन किया था, जिसको तुर्कान ने चहलगानी भी कहा जाता है। तो ये जो 40 सरदार थे ये बहुत ज़्यादा खिलाफ़ थे कोई महिला शासिका रहे। ठीक है ना, तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा थे, तो रजिया सुल्तान को इसका खूब विरोध झेलना पड़ा था, जिसके कारण ये खुद भी जो है ज़्यादा समय तक शासन नहीं रहा था। इनका भी 4-5 साल का ही शासन रह पाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुई थी? ठीक है ना, तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो हुई थी 21 अप्रैल को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1526 को, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। ठीक है ना, तो बाबर जो है, बाबर ये मतलब यायावर जनजाति से थे, मतलब ये पांचवें वंश जो है तैमूर के थे, पितृ साइड से, पिता के साइड से, और 14वें वंश जो है चंगेज खान के ख़ानदान से थे, मातृ साइड मतलब मम्मी के साइड से। ठीक है ना, तो ये युद्ध जो जीता था इन्होंने, इसमें इन्होंने तुलुगमा पद्धति से जीता था। तुलुगमा पद्धति एक खास पद्धति होती है जिसमें तोपों को एक खास पैटर्न में अरेंज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो पहला तो तुलुगमा पद्धति थी, दूसरी जो है उन्होंने तोप खाने का प्रयोग भारी मात्रा में किया था। तो तोप ने दो चीज़ें की थी, एक तो सेना को डिस्ट्रॉय भी किया था, और उसके बाद जो सेना में सामने वाली पार्टी की जो सेना में हाथी थे उनको जो है डरा दिया था। ठीक है, तो हाथी जो है मतलब धमाकों की आवाज़ से पागल टाइप हो गए थे, और फिर वो उन्होंने खुद ही की सेना को बर्बाद कर दिया। ठीक है,
ये एक मेजर प्लस पॉइंट था बाबर की जीत में। और फिर उसके बाद बाबर ने लगातार लड़ाई करते गए थे केसीजी, ठीक है ना, खानवा और चंदेरी और फिर घाघरा, ठीक है ना। 1927, 28 और 29 में लड़ी थी इन्होंने। 26 में जो है इन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। और जो खानवा में जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है ना, राणा सांगा के मध्य हुआ था। और जो चंदेरी में था वो मेदिनी राय के बीच में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो बिहार बंगाल की संयुक्त सेना के विरुद्ध हुआ था, है ना, जी फॉर घाघरा, KCG, खानवा चंदेरी घाघरा, ठीक है, 28, 29, 30 के मध्य ये हुआ था, ठीक है। और इनकी जो आत्मकथा है वो इन्होंने लिखी थी तो बाबरनामा, है ना, वो तुर्की में लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खाना ने किया था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ये जो अपन ने डिस्कशन किया अभी, ये एक क्वेश्चन के ऊपर जब हम इतना डिस्कशन करते हैं ना, तो इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अपन हर एंगल डिस्कस करते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? काला नहीं, ये चोल कला का उदाहरण है, ठीक है ना, ये तमिल जो माइथोलॉजी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और इसमें जो है भगवान शिव का तांडव नृत्य करते हुए रूप का जो है वो बनी हुई है मूर्ति, ऐसी बीच में बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है चोल कला का उदाहरण है। और जो शिवजी जो तांडव करते थे, ठीक है ना, वो किसने लिखा है? ठीक है, वो रावण ने लिखा है ना, मतलब इसका जो श्रेय है वो रावण को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाबी शहर जयपुर की स्थापना किसने की? तो गुलाबी शहर की जो जयपुर का है उसकी स्थापना राजे सवई जयसिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है ना। जो सवई जयसिंह हैं द्वितीय, उन्होंने, और इनको जो सवई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी, ठीक है ना। ये औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी और इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया और 5 वेधशालाएं निर्माण करवाई हैं, जो दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद उज्जैन, है ना, 5 जगह पर है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर खुद, ठीक है ना। ये इनका जन्म जो है अंबर में हुआ था, अंबर एक जगह है, फिर फाइनली उस जगह को ही जो है उसके आसपास के एरिया को मिला के जयपुर शहर की स्थापना कर दी थी। और गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अधिकतर बिल्डिंगें गुलाबी कलर से रंगी हुई थी, इस कारण इसको गुलाबी शहर कहा जाने लगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है राजा सवई द्वितीय ने की थी। अच्छा, सवई का क्या मतलब होता है? सवई, ये जब उपाधि दी गई, सवई मतलब सवा, सवा सवा मतलब क्या होता है? सवा मतलब 1 1/4, ठीक है ना, ओ सॉरी, 1/4 मतलब आप बोलते हो ना, एक, देखो 1 किलो को 1 किलो बोला, सवा किलो किसको बोलोगे? 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है ना, 1 किलो 250 ग्राम को सवा किलो बोलोगे ना, हाँ ये वही था, 1/4 क्वार्टर प्लस, ठीक है ना, मतलब आप सवा गुना हो, ठीक है, तो सवाई कहा उसको, तो ये सवाई हो गया है, ठीक है ना, ये सवाई का ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो ऑब्वियसली बाण भट्ट है। इसमें हर्ष जो राजा थे हमारे, तो उनके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी का विशाल स्नान गृह किस स्थान पर है? ठीक है ना, तो सिंधु घाटी का जो विशाल स्नान गृह है वो ऑब्वियसली मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में एक और अन्नागार भी पाया जाता है, ठीक है ना, अन्ना, यहाँ पर अन्न का स्टॉक किया जाता था। और स्नानगार जो होता है वो जो पॉसिबली वो मतलब उनका धार्मिक स्थल रहा होगा, मतलब धार्मिक स्थल मतलब मंदिर, मंदिर मस्जिद टाइप रहा होगा उनका स्नान गृह, ठीक है। और अन्नागार में तो खाने पीने का स्टॉक रहता था। और अच्छा, यदि मैं पूछूं कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे हैं, तो मोहनजोदड़ो है ना सिंधु नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु। और यदि मैं पूछूं कि
ये हड़प्पा कौन सी, हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है पर कन्फ्यूज़न है, होता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखें। और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि ये एक प्लांड सिटी थी, ठीक है ना। ये एक प्लांड सिटी थी जिसमें नगर जो बना हुआ था वो प्लांड था, ठीक है ना, कि कहाँ से नाली जाएगी, कहाँ घर बनेगा, और जो घर बनेगा वो भी पूरा प्लांड था, कि कहाँ खिड़की होगी, कहाँ गेट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा प्लांड था, सिटी भी पूरी प्लांड थी। और फिर जो दूसरा है, इनको कांसा बनाने की विधि पता थी, ठीक है ना। इनको कपास उगाते भी आता था, मतलब बहुत टैलेंटेड लोग थे। और एक इम्पोर्टेंट जो बात याद आई मुझे अभी, देखो सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे उत्तरी जो क्षेत्र पड़ता था वो मांडा पड़ता था कश्मीर में, सबसे दक्षिणी जो महाराष्ट्र में पड़ता था वो दायमाबाद पड़ता था, ठीक है, सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर पड़ता था, और जो सबसे पूर्वी में है वो आलमगीरपुर पड़ता था। पैन नहीं चलता कभी, ये आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर है, थोड़ा गलत लिखा गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चार पॉइंट है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम का जो संबंध है बेसिकली केरल से है, और ऐसा नहीं है कि ये इसी की भाषा है, इसमें और भी दूसरे भी जो है भाषा, ये तो मिक्सअप हो जाता है ना फिर, तमिल, तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उड़िया, उड़ीसा, असमी, असम, ठीक है, तो गुजराती, गुजरात, मराठी, महाराष्ट्र, ऑब्वियसली, तो इस तरीके की भाषाओं का मिक्सअप होता रहता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन किस देश से शुरू किया था? तो यदि आपने मेरा हिस्ट्री का पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, उसमें भी एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो ये स्टार्टिंग जो है दक्षिण अफ्रीका से हुई थी, ठीक है। तो यदि आपने मेरा पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर। देखो ऐसे डेट वगैरह एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अब यदि आप इतना रिवीजन कर चुके होते हो तो आपको सारी डेट्स वगैरह भी जो है ना प्लेसेस आसानी से याद रहती हैं, ठीक है। तो और 1885 में जब इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो ये एओ ह्यूम जो है इनकी खासी भूमिका रही थी इसमें, और इस टाइम पे अपने गवर्नर, इस टाइम पे अपने वाइसराय थे, तो वाइसराय कौन थे इस टाइम पे? तो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, है ना, वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर की गई थी, और प्रथम बार अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी, ठीक है ना, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी बनर्जी, ठीक है। तो कॉलेज का नाम तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि आप इतनी बार पढ़ चुके होते तो आपको याद होती चीज़ें, पर उमेश चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता की थी 1885 में, ये ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद इसके डायरेक्टली 86 में जो है सबसे मतलब 1886 में जो है इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई, तो 1886 में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, प्रथम पारसी, और इसकी 1887 में जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है ना, प्रथम मुस्लिम, और 1888 में जो है इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, प्रथम अंग्रेज, ठीक है। फिर उसके बाद तो ठीक है ना, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट अधिवेशन देख लेते हैं अपन इसके, ठीक है। तो
जॉर्ज यूले ने कब की थी? 1888 में यूले ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट सेशन आता है वो 1896 का आता है। 1906 में ए एम सयानी ने की थी, ए एम सयानी। ठीक है, तो इनके शासन का मतलब इन्होंने जब अध्यक्षता की थी जब प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, इसलिए इनका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1905 में जो है इसकी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी अध्यक्षता। 1906 में जो है इसकी अध्यक्षता फिर से दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक्चुअली इस टाइम पे विरोधाभास आ गए थे, ठीक है ना, गरम दल नरम दल में, तो इस कारण जो है एक तटस्थ व्यक्ति को जो है दादा भाई नौरोजी को जो है अध्यक्षता सौंपी गई थी। और फिर 1907 में जब रास बिहारी बोस को सूरत अधिवेशन में जब रास बिहारी बोस थे, ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने जब अध्यक्षता ली थी तब कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, फिर 1916 में फाइनली लखनऊ में समझौता होता है, और लखनऊ जो इसकी अध्यक्षता है वो अंबिकाचरण मजुमदार जी ने की थी, अंबिकाचरण मजुमदार ने। और 1917 का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रथम महिला एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और 1918 वाला, सॉरी 18 नहीं, अब जो है 1918 का नहीं, 1929 का है ना, 1929 में नहीं, 1924 में इससे पहले महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, और 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 1925 के बाद 1929 में जो है लाहौर में की गई थी ये अधिवेशन, जो है लाहौर में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो 1931 का है कराची वाला, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी लाहौर और कराची में। ठीक है ना, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी और एक बार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी तब स्वराज, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और जब 1931 में कराची में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, फिर 1938 का इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो है ये हुआ था नहीं 1939 हुआ था त्रिपुरी में, इसका भी हरिपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये हरिपुर में हुआ था और ये त्रिपुरी में हुआ था 1939 का। ठीक है, और आज़ादी के टाइम पे जेपी कृपलानी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो बस इतना ही, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? तो आज़ाद हिंद फौज ऑब्वियसली 1942 में बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो कप्तान सिंह सोलंकी ने बनाई थी, कप्तान मोहन सिंह ने बनाई थी। ठीक है ना, कप्तान मोहन सिंह ने बनाई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाई थी? ये सिंगापुर में बनाई थी। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर को, ठीक है ना, अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है ना, तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, और ये सरकार जो है बहुत अच्छे स्तर पर इसकी स्थापना की गई थी, इसको 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। तो सूरत में जो है इनका विभाजन हुआ था, और राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है वापस लखनऊ समझौता हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजुमदार जी ने की थी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यात्री फाहियान किसके कार्यकाल में आया था? तो प्रसिद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी। ठीक है ना, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ठीक है, तो औरंगजेब ने तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक है ना, और
मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो थे वो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, अमरदास रामदास, अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे हैं तेग बहादुर और 10वें नंबर पे है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस याद रखना, एमपीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है ये, और ये लगभग लगभग पूछा ही जाता है निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने क्या क्या काम किए वो भी बता देना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन डिस्कस होगा मैं बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब मलय, इंडोनेशिया, वहाँ तक इन लोगों का था, श्रीलंका वगैरह सब इनके अंडर में था। इनकी नौसैनिक शक्ति इतनी जानदार थी कि ये फटाफट कहीं भी पहुँच जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था किसने चलाई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चलाई थी। एक्चुअली बेसिकली शॉर्ट में देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जैसे पद था एक, ठीक है ना। मनसब जो है एक पद था जिसमें उसकी तनख्वाह निश्चित होती थी, तनख्वाह के बाद जो दूसरी चीज़ निश्चित होती थी उसके पास घोड़े कितने रहेंगे और हाथी कितने रहेंगे, ठीक है ना। और ये घोड़े जो हाथी घोड़े और हाथी जो रहते थे इसमें हुलिया और दाग जो है इनकी नोटेड होता था, ठीक है ना। ये लोग रखते थे, ठीक है, मतलब ब्रांड कर देते थे, उन पर ठप्पा लगा देते थे कि ये सरकारी घोड़ा या हाथी है, इस टाइप से, है ना। तो हुलिया और दाग जो है इनमें चलता था, तो घोड़े और हाथी तय होता था और तनख्वाह तय होती थी। 10 से लेके 12 हज़ार तक के मनसब में जो है वो थे, मनसब बटे हुए थे, करीबन 66 के आसपास थे, पर बेसिकली 33 ही थे ऐसा। और जो 1000 से ऊपर वाले थे, मतलब 1000 से जो कम थे, मतलब जिनके मनसब 1000 से कम थे, उनको कहते थे अमीर, ठीक है। और जो 1000 से कम थे जिनके, और जो 1000 से ज़्यादा थे वो अमीर उल कबीर कहलाते थे, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट था मनसबदारी के बारे में, ये अकबर जी अकबर ने चालू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनकी उपलब्धियाँ बहुत सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1942 में करो या मरो का, करो या मरो है यार, मारो नहीं है, करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था ग्वालियर टैंक पे। फिर महात्मा गांधी जी ने 1942 में जब करो या मरो जब चालू हुआ था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, तब करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जी सबसे पहले पूछा जाए तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और फिर उसके बाद यदि यूसुफ मेहर अली नहीं है ऑप्शन में तो महात्मा गांधी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2018 में, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।